हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रूखे सूखे बेजान बालों को लंबा शाइनी स्ट्रॉन्ग बनाने का चमत्कारी घरेलू नुस्खा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आप अपने बालों की सभी समस्याओं के लिए अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करते होंगे। यदि आप अपने बालों से डैंड्रफ दूर करना चाहते हैं तो आप कोई अच्छा शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट यूज करते होंगे, और यदि आप अपने बालों को लंबा शाइनी और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करते होंगे। लेकिन ऐसा करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आपके बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं, क्योंकि मार्केट के हेयर प्रोडक्ट्स केमिकल से बने होते हैं जो कुछ दिनों के लिए तो आपके बालों को सुंदर बना देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद आपके बालों की सुंदरता कहीं गायब हो जाती है। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी रेमेडी लेकर आई हूं जो आपके सभी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप इसके अच्छे फायदे भी उठा सकें। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सामग्रियां चाहिए, जो कि है 5 चम्मच दही। दही में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। दही बालों से डैंड्रफ को दूर करती है। दही एक अच्छी कंडीशनर का भी काम करती है, जिससे हमारे बाल शाइनी और सॉफ्ट बन जाते हैं। नंबर 2, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर। यदि आपके पास मेथी दाना पाउडर नहीं है तो आप मेथी दाने को ग्राइंडर की हेल्प से पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं। मेथी दाना पाउडर बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है, और साथ ही ये बालों की खोई हुई चमक को भी वापस लाता है। नंबर 3, 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला बालों को मजबूत, लंबा और घना बनाने में मदद करता है। ये दो मुहे बालों की समस्या को भी दूर करता है। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये सफेद बालों को बढ़ने से रोकता है और उन्हें काला भी बनाता है, साथ ही ये डैंड्रफ को भी दूर कर देता है। नंबर 4, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डैंड्रफ को बहुत जल्दी दूर करता है। ये बहुत इफेक्टिव है, साथ ही ये बालों के बढ़ने में भी बहुत ही मदद करता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, वरना ये हमारे स्किन और बालों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं इसे बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले और उसमें दही ले लें, फिर इसमें मेथी दाना पाउडर, आंवला पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल के इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इस हेयर मास्क को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ये हेयर मास्क एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इस हेयर मास्क को अपने बालों पर अप्लाई करें और 1 घंटे के लिए लगा रहने दें। फिर आप अपने बालों को किसी भी सौम्य शैम्पू से वॉश कर लें। आप इस हेयर मास्क का यूज वीक में 2 बार कर सकते हैं। ये हेयर मास्क आपको सभी हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, 2 मुहे बाल आदि से निजात दिलाएगा और आपके बालों को मजबूत, शाइनी, सॉफ्ट, काला, लंबा और घना बना देगा। ये हेयर मास्क सभी हेयर प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। तो अब आपको अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा नुस्खा है जो आपके सभी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे ही खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।